नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर 500 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मर गए हैं। यो हम जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। आए दिन पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी सेना मारी जा रही है। दिन पर दिन पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान तालिबान से मार खाती जा रही है। और साथ ही आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी तालिबान TTP के भी रिलेशन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। आए दिन वहाँ लड़ाइयाँ होती जा रही हैं। चलिए जान लेते हैं पाकिस्तानी तालिबान TTP के बारे में। TTP, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहा जाता है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक्टिव आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता है और यह 14-15 साल से मिलकर कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम भी दे चुका है। और पाकिस्तान TTP के साथ मिलकर कश्मीर को भी कब्जाने के सपने देखता है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि यह आपस में खुद ही लड़ने मरने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी तालिबान के सामने जो मांगे रखी उसे पाकिस्तानी तालिबान मानने से साफ इनकार कर रहा है, जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनने के समय पर की थी। और कुछ सालों से तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में ही युद्ध होते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक साल में पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान पर 280 बार हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान के 500 से अधिक सैनिक मार दिए हैं। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान पर कितनी बड़ी संख्या में हमले होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, वही नवंबर में पाकिस्तानी सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने एक महीने के सीज़फायर का ऐलान किया था। पाक सरकार की तरफ से TTP के लड़ाकों को छोड़ने की बात भी कही गई थी। हालांकि जब इमरान सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो TTP ने एक तरफा सीज़फायर तोड़कर पाकिस्तानी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया था। और वहीं पाकिस्तानी तालिबान के साथ साथ अफगानिस्तानी तालिबान भी पाकिस्तान के गले का फंदा बन चुकी है, क्योंकि उन दोनों के बीच डोरेंट लाइन का विवाद अभी भी जारी है। आपका क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।